नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के लिए ईएफएम पेपर सेकंड में इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था में यूनिट संख्या फोर्थ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर है अपना साक्षमता मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग। इसमें हम चैप्टर का टॉपिक है, इस चैप्टर के अंतर्गत साक्षमता मूल्यांकन के प्रकार और कार्य एवं उसका उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि साक्षमता मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, साक्षमता मूल्यांकन की विशेषताएं और उसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। आज हम इसी क्रम में साक्षमता मूल्यांकन के प्रकार और उसके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। साक्षमता मूल्यांकन के कई प्रकार होते हैं, जिसमें प्रथम है बॉन्ड या ऋण पत्र। साक्षमता मूल्यांकन के अंतर्गत बॉन्ड एवं ऋण पत्र, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, जब किसी निगम या कंपनी सरकार के द्वारा बॉन्ड या ऋण पत्र निर्गमन किया जाता है तो इसे बॉन्ड या ऋण पत्र रेटिंग कहा जाता है। बॉन्ड एंड डिबेंचर, बॉन्ड एंड ऋण पत्रों को साक्षमता मूल्यांकन के प्रकारों में शामिल किया गया है। दूसरा, इसके प्रकार की बात करें, समता रेटिंग, इक्वल रेटिंग। इक्वल रेटिंग, इक्वल रेटिंग कंपनी द्वारा समता अंशों का निर्गमन समता रेटिंग कहलाता है। जो समता अंश है जिनका शोधन नहीं किया जाता है वो समता अंशों में शामिल है, जिनको हम समता रेटिंग भी कहते हैं। दूसरा, तीसरा है पूर्वाधिकार अंश रेटिंग। परफेंस शेयर रेटिंग, पूर्वाधिकार अंश, जैसा कि आप पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं, परफेंस शेयर किसे कहते हैं, तो पूर्वाधिकार अंश रेटिंग में कंपनी द्वारा पूर्वाधिकारी अंशों का निर्गमन पूर्वाधिकारी अंश रेटिंग कहा जाता है। दूसरी, अगला है व्यापारिक पत्र रेटिंग। व्यापारिक पत्र रेटिंग की हम बात करें, यहाँ पर कॉमर्शियल पेपर रेटिंग में कॉमर्शियल पेपर रेटिंग की हम बात करें तो कॉमर्शियल रेटिंग पेपर ये एक प्रकार का अल्पावधि ऋण कहलाता है। पारस्परिक पत्र का निर्गमन निर्माण करने वाली कंपनियां, वित्तीय कंपनियां, व्यापारिक बैंक, वित्तीय संस्थाएं आदि के द्वारा किया जाता है। इसके उपकरणों की रेटिंग व्यापारिक पत्र की रेटिंग कहलाती है। तो ये व्यापारिक पत्र रेटिंग हुई। अगला पांचवा है स्थायी जमा रेटिंग। फिक्स डिपॉजिट रेटिंग, स्थाई जमा रेटिंग। स्थाई जमा रेटिंग की हम बात करें तो स्थाई जमा कार्यक्रम माध्यम अवधि के लिए असुरक्षित ऋण कहलाता है, इसे रेटिंग की स्थाई जमा रेटिंग भी कहते हैं। अगला है मुख्य रेटिंग, मुख्य रेटिंग के अंतर्गत स्थायी जमा कार्यक्रम के माध्यम की अवधि असुरक्षित ऋण कहलाता है, इस रेटिंग को स्थायी जमा रेटिंग भी कहते हैं। ऋणदाता की रेटिंग सातवां है, ऋणदाता की रेटिंग। ऋणदाता की रेटिंग की हम बात चर्चा करें तो ऋणदाता रेटिंग को ऋणदाता रेटिंग कहते हैं, क्योंकि अगला है व्यक्तिगत रेटिंग।
ये साक्षमता मूल्यांकन के प्रकारों में सम्मिलित हैं। ऋणदाता रेटिंग या व्यक्तिगत रेटिंग, किसी व्यक्ति को रेटिंग दी जाए या की जाए तो वह व्यक्तिगत रेटिंग कहलाती है। अगला ढांचागत दायित्व है ऋण। ढांचागत दायित्व ऋणों की हम बात करें तो यहाँ पर यह एक प्रकार का दायित्व ऋण है और संपत्ति आधारित प्रतिभूति साक्षमता मूल्यांकन एजेंसी व्यवहार के माध्यम से जोखिम के साथ निर्धारित भी करता है। तो ये हमने साख मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें हमने बॉन्ड या ऋण पत्र, समता रेटिंग, पूर्वाधिकार अंश रेटिंग, व्यापारिक पत्र रेटिंग, स्थायी जमा रेटिंग, मुख्य रेटिंग, ऋणदाता की रेटिंग, व्यक्तिगत रेटिंग, ढांचागत दायित्व रेटिंग, ये साक्षमता मूल्यांकन के प्रकार हैं। अब हम इसी क्रम में चर्चा करेंगे कि साक्षमता मूल्यांकन निर्धारण जो निर्धारक दो एजेंसी हैं उनके कार्य एवं महत्व कौन कौन से हैं। अब इनकी साक्षमता निर्धारक एजेंसी के कार्य एवं महत्व है। साक्षमता मूल्यांकन एजेंसी के कार्य एवं महत्व है। कि हम चर्चा करेंगे फंक्शन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। पहला है सूचनाएं उपलब्ध करवाना। सूचनाएं उपलब्ध कराना, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। प्रतिभूतियों के विनियोग करते समय विनियोक्ताओं को अपने धन की सुरक्षा, प्राप्त आय और समय पर मूलधन की वापसी आदि की चिंता होती है, जिसमें साख मूल्यांकन एजेंसी प्रतिभूतियों से संबंधित प्रत्येक पक्ष या निष्पक्ष जांच करके जोखिम की संभावनाएं व्यक्त करती है। साधारणतः प्रतिभूतियों में निर्गमनकर्ता, दलाल, वित्तीय मध्यस्थ, अभिगोपक आदि का हित होता है। एजेंसी इनकी साख जोखिम का मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकालती है कि विनियोगकर्ता एजेंसी की रेटिंग के आधार पर विनियोग निर्णय आसानी से ले सके। दूसरा है वित्तीय अनुशासन। वित्तीय अनुशासन में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की हम बात करें तो साक्षमता मूल्यांकन एजेंसी के कारण वित्तीय अनुशासन का निर्माण होता है। जो पक्ष ऋण लेता है उसे अपनी प्रतिष्ठा, ईमानदारी, जोखिम क्षमता का परिचय देना पड़ता है। वित्तीय अनुशासन की पालना करते हुए ऋण वापस करना पड़ता है। अगला है नीति निर्धारण। नीति निर्धारण में, पॉलिसी डिटरमिनेशन में साक्षमता मूल्यांकन एजेंसी, साक्षमता मूल्यांकन एजेंसी में मुख्यतया प्रतिभूतियों के संबंध में सार्वजनिक नीति निर्धारण करने में सहायक होती है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं प्रतिभूतियां निर्गमित करती है। जो प्रतिभूतियां साक्षमता मूल्यांकन में खरी उतरती है उनमें निवेश किया जाता है। भविष्य में ऐसी प्रतिभूतियां निर्गमित करने में मार्गदर्शी सिद्धांत भी इसमें अपनाते हैं। अगला है जोखिम और प्रतिफल या जोखिम और प्रतिफल का मूल्यांकन। इसमें जोखिम व प्रतिफल का मूल्यांकन भी किया जाता है कि कौन सी जो ऐसी है जिसमें जोखिम व प्रतिफल, उसका मूल्यांकन करने का कार्य भी इसमें होता है। अगला है लागत में कमी। लागत में कमी में
साख क्षमता मूल्यांकन एजेंसी के द्वारा प्रमाणित जानकारी के आधार पर कई प्रकार की प्राथमिक द्वितीयक आंकड़े एकत्रित कराए जाते हैं, अनुसूचियां, उनकी प्रपत्रों की जांच करना, उनकी सही जानकारी उपलब्ध करवाना, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो लागतों में कमी भी एक साख क्षमता मूल्यांकन एजेंसी के कार्यों में सम्मिलित है। अगला है विश्लेषण, एनालिसिस। एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है? जब किसी फर्म की रेटिंग करते समय बाजार की दशाएं, व्यवसायी संचालन क्षमता, कानूनी स्थिति या जोखिम आदि का विश्लेषण किया जाता है। किसी कंपनी या फर्म की प्रतिभूतियों के संबंध में उसका बाजार मूल्य, स्थिरता या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतियोगिता, भविष्य संस्था की विपणन नीति, अनुसंधान विकास, विक्रय उपरांत सेवाएँ आदि का विश्लेषण भी किया जाता है। ये भी मुख्यतः एक एजेंसी व्यवसाय में आने वाली जोखिम का भी विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालने में एक अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। वित्तीय प्रतिनिधित्व, अगला है फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। वित्तीय प्रतिनिधित्व में साख क्षमता मूल्यांकन एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अंतर्गत किसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी प्रकार के वित्तीय अन्य सूचनाएं जब एकत्रित की जाती है तो ये प्रमाण पत्र देती है कि प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता या उसकी एजेंसी कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है। अतः प्रत्येक एजेंसी सत्य प्रमाणिक जानकारी के आधार पर ही प्रमाण पत्र देती है जो विधिमान्य होता है और विश्वास पर आधारित होता है। अगला है संपत्ति विश्लेषण। संपत्ति विश्लेषण की हम बात करें तो साख क्षमता मूल्यांकन एजेंसियां चल व अचल या स्थायी संपत्तियों का विश्लेषण अलग अलग दृष्टि से करती है। चल संपत्ति के विश्लेषण के अंतर्गत चल संपत्ति की मात्रा, उसकी तरलता, स्थायी संपत्ति के अनुपात, चल संपत्ति की जोखिम आदि घटकों पर विचार किया जाता है। इसके साथ चल दायित्व या रिजर्व फंड या कर नियोजन, पूंजी ढांचा, बाजार दर आदि के आधार पर विचार किया जाता है। वित्तीय कंपनी के संबंध में भी इन मदों का विश्लेषणात्मक जानकारी लाभ प्रतियोगिता को प्राप्त होता है। अगला है प्रबंधकीय मूल्यांकन। अंतिम है प्रबंधकीय मूल्यांकन में मैनेजरियल इवैल्यूएशन में पिछले वित्तीय परिणामों के कार्य, उनको नियोजन या नियंत्रण प्रणाली के आधार पर प्रबंधकीय क्षमता का पता लगाया जाता है। प्रबंधकीय योग्यता, उसकी भविष्य की योग्यता, पूंजी ढांचा, संचालक मंडल, अंशधारियों की जांच वापसी के संबंध में भी यह पता लगाया जाता है कि साख क्षमता मूल्यांकन एजेंसी किसी कंपनी की प्रबंधकीय योग्यता के आधार पर ही निष्कर्ष निकालेगी। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की कि साख क्षमता मूल्यांकन के प्रकार, उसके कार्य महत्व कौन से हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे साख क्षमता मूल्यांकन के लाभ, उसकी सीमाएं और हानियां, और फिर भारत में साख रेटिंग एजेंसियों कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने आज के वीडियो में संक्षेप में ये जानकारी प्राप्त की कि साख क्षमता मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं और साख क्षमता मूल्यांकन के कौन कौन से कार्य हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि साख क्षमता मूल्यांकन जब हम करते हैं तो विभिन्न प्रकार की रैंकिंग श्रेणीगत प्रतिभूतियों में विन्यासित किया जाता है कि उन प्रतिभूतियों को आसानी से समझना और उच्च क्षमता मूल्यांकन या उच्च रिस्क के आधार पर एनालिसिस करने में एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन करना वह साख क्षमता मूल्यांकन के द्वारा होता है, जो कि सेबी रेगुलेशन एक्ट के तहत ये कार्य संपादित करते हैं। तो साख क्षमता मूल्यांकन जब प्रतिभूतियों का जब मूल्यांकन होता है तो उसको एक रैंकिंग के आधार पर विन्यासित करके उनका विश्लेषण या उसका क्रियान्वयन किया जाता है, जिससे उन प्रतिभूतियों को आसानी से समझ सकें और उन प्रतिभूतियों का एनालिसिस भी कर सकें। तो वो साख क्षमता मूल्यांकन की श्रेणियों में आता है।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि साख क्षमता मूल्यांकन की कौन कौन से लाभ हैं और उनकी सीमाएं हानियां। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।